हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो रही है, शाम का वक़्त हो रहा है वक़्त। और आज मेरा मी टाइम चल रहा है, मतलब अलोन, क्योंकि सब लोग गए हैं शादी में। और ये कैसे मेरे बाल अजीब से हो गए हैं, सब लोग शादी में गए हैं, मतलब बहन भी, भाई भी और पापा भी। मतलब पापा तो अपनी एक मीटिंग में ही गए हैं, मतलब कुछ मीटिंग थी, बट वो बाहर से ही खाना खा के आएंगे, रेस्ट होटल में गए हैं वो। और बाकी भाई बहन तो दोनों शादी में गए हैं, और मैं और मम्मी हैं घर में। आज अकेले कोई भी नहीं है, मैं आज कमरे में एकदम अकेले हूँ। मैंने सोचा कि कुछ, वैसे तो सब रहते हैं तो खुद के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता, किसी के लिए कभी ये करो फिर ये करना वो करना, कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। बट आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी, म्यूज़िक चलाऊँगी, लाउड डांस करूँगी, मस्ती कर लूँगी थोड़ी बहुत, और अपने और मम्मा के लिए कुछ बना लूँगी। वैसे तो मैंने सोचा मैं मोमोज खा लूँ, पर मम्मी मोमोज खाती नहीं है, उनको तो मोमोज के नाम से ही चिढ़ा है, क्योंकि उनको लगता है जितनी बीमारियाँ पैदा होती हैं वो इस मोमोज के वजह से होती है। पता सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट मैं तो बाहर छुप के मोमोज खा लेती हूँ, कभी मम्मी से छुप के मोमोज खा लेती हूँ। बट मैंने सोचा है कि पनीर की भुर्जी बना लूँगी, और उसके साथ रोटी या पनीर के पराठे। पनीर तो मैं ले आई हूँ जाके मार्केट से, और अपने और मम्मी के लिए पनीर का पराठा, सोचो पनीर का पराठा ही बना लूँ। इजी भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट वो बना लूँगी, उसके साथ चाय बना लूँगी, और उसके बाद बाकी के अपने सारे सारे गेम्स, कुछ गेम्स खेलूँगी आज मैं अपने फ़ोन में। मैंने सोचा कि आज मैं गेम खेलूँगी अपने फ़ोन में, कितने टाइम से गेम नहीं खेले यार मैंने। गेम खेलूँगी, थोड़ी सी मस्ती करूँगी, और हाँ थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है, बट जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ, और सबसे पहले मैं अपना किचन का आभूषण धारण करूँगी, दिखाती हूँ। सो ये है हमारे किचन का आभूषण जिसे हमें पहनना है। और अपनी मम्मी कहती है किचन में जब काम कर रहे हो ना तो बाल बांध लिया करो, क्योंकि खाने में खाना कम तुम्हारे बाल ज़्यादा पड़े होते हैं। तो बालों को बना लेते हैं ऐसे ऐसे राउंड राउंड चूड़ा टाइप्स, अच्छी तो लग रही हूँ। और अपना किचन का आभूषण पहन लेते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो। तो मैंने ये आभूषण धारण कर लिया है, और ऑल सेट हो चुकी हूँ मैं क्या बनाने के लिए, पनीर, पनीर का पराठा, क्योंकि मैं फटाफट 10 to 15 minutes में बना के रेडी कर दूंगी जल्दी से अपने मूड को। और मैंने सॉन्ग भी लगा दिए हैं FM में, बजते रहेंगे और मेरा मूड भी अच्छा। पता नहीं आज FM में सारे सैड सैड सॉन्ग क्यों आ रहे हैं, जितने भी स्टेशन लगाए मैंने सब पे ही सैड सैड। एक जगह बज रहा था हमारी अधूरी कहानी, एक जगह बज रहा था हम बेवफा हरगिज ना थे, और अभी ये बज रहा है दिल है मुश्किल। बट मैं अपना काम भी करती हूँ साथ साथ। अब थोड़े मूड वाले सॉन्ग बजे, बहुत मजा आता है इसमें मुझे, मिक्सी से भी तेज चल जाता है और जल्दी से सारा पेस्ट बन जाता है। वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग, मजा ही आ गया इसमें। अच्छे गाने ना कभी आपके मूड भी अच्छे कर देते हैं। आटा गूंद रही थी, अच्छा लगता है यार, काम भी करना है गाना भी एंजॉय करना है। मम्मी ने कहा था बाल नहीं खुलने चाहिए, पर क्लच नहीं लगाया तो बाल खुल जाते हैं। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है यार, तो अच्छा लगता है, कुछ अच्छा अच्छा बनाते रहो, मजा आता है। आटा
खाना बनाने घुसी है या बर्तनों के साथ कुश्ती लड़ने। लगभग पनीर का मसाला तैयार हो गया है और मैंने कहा भी थोड़ी देर से रख देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना आटा भी गूंद लिया है, कोक पीऊंगी, थोड़ा कोक इंजॉय करूंगी। सॉन्ग भी बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं और ये वाली कोक भी बहुत अच्छी है, जीरो कैलोरीज वाली अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। गरम गरम पराठा भी मेरा रेडी हो चुका है। पराठे रेडी हो चुके हैं और चाय भी बन चुकी है और मैं जा रही हूँ मम्मी को खाना देना, तो मम्मी की चाय निकाल दो पहले। हाँ मम्मी को इस वाले ग्लास में चाय दूंगी। मम्मी की चाय रेडी और मम्मी के पराठे भी रेडी, तो मम्मी को डिनर दे देते हैं। मम्मी को डिनर दे दिया मैंने और अपनी भी चाय ले लिया और अपना भी पराठा ले लिया है पनीर का, और मैं खाऊंगी अपना वो शो देखते देखते यूट्यूब पे। डिनर भी हो गया मेरा, गाने भी सुन लिए मैंने, टाइम भी पास कर लिया, गेम भी खेल लिया। पढ़ने का मन नहीं कर रहा बस, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मेरे ख्याल से 11 बजने वाले होंगे, 10:30-11 बजने वाले होंगे। हाँ 10:30 हो रहे हैं शायद, हाँ, बट अभी तक कोई नहीं आया है। अब मैं ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते सो जाऊँगी, पता नहीं कब आएंगे सब लोग, मस्ती कर रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, कोई नहीं। मैंने भी अपना मी टाइम बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, मज़ा आया। हर टाइम शादी में, पार्टी में और फंक्शन में जाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कभी कभार घर पे भी अकेले टाइम स्पेंड करो, खुद को भी टाइम दो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। मुझे खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते जबकि मारते मारते सो जाऊँगी, वो लोग आके घंटी बजाएंगे तब जाऊँगी, देखती हूँ कब तक आते हैं। ऐसा कि मैंने कहा था मेरी आँख लग जाएगी, आँख लग गई और वैसे 15 मिनट बाद बेल बज गई। हाँ मम्मी भी सो चुकी हैं, तो ये लोग आ चुके हैं और मुझे आधी नींद से जगा दिया, मेरी नींद ख़राब भी कर दी। मेरी आँखों से देख के लग रहा होगा कि मैं सो चुकी थी और अब मैं जा रही हूँ सोने। इतनी मुश्किल से नींद आती है और नींद टूट जाए तो दोबारा नींद भी नहीं आती है। वैसे मैंने ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं की थी, चलो इसी बहाने ब्लॉग की एंडिंग हो जाएगी, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।